हम लोगों ने व्यापम का एक मेगा सेमिनार आयोजित किया और मैं वो समझता हूं कि ये बिल्कुल सही समय पर किया गया आयोजन है आप लोगों के मांग को देखते हुए, डिमांड को देखते हुए, क्योंकि व्यापम का अभी जो करेंट का ट्रेंड चल रहा है, इस करेंट के ट्रेंड में नोटिफिकेशन में बहुत ज्यादा असमंजस देखने को मिल रहा है विद्यार्थियों में। कई ऐसी चीजें हैं जो एकदम क्लियर नहीं हो पा रही हैं, इसलिए सिद्धांत कोचिंग को लगा कि अगर स्टूडेंटों में इस चीज का प्रसार करना चाहिए तो सबसे पहले हमारे द्वारा ही करना चाहिए, इसीलिए इस कार्यक्रम का हमने आयोजन किया, सेमिनार का, जिसमें हम आज की क्लास आज के सेमिनार में व्यापम से संबंधित जितने भी परीक्षाओं का आयोजन होता है या जितने भी एग्जाम व्यापम कंडक्ट करता है उन सभी एग्जाम्स को हम लोग देखेंगे। साथ में जिन जिन पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाती है उन उन पदों का भी हम लोग थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा हम लोग व्यापम से संबंधित और ऐसी चीजें जिसमें करंट के इश्यू को देखते हुए व्यापम ने अपने एग्जाम प्रोसेस को किस तरह से परिवर्तित किया हुआ है उसको भी हम लोग आज के सेमिनार में समझने का प्रयास करेंगे। इस तरह से आवाज आ रही पीछे तक, सभी जानते हैं कि हम लोग स्पेशली व्यापम के लिए आए हुए और व्यापम से रिलेटेड जितने एग्जाम है सबको हम स्क्रीन पर देखेंगे। पहले मैं आप लोग को बता दूं कुछ चीजें अगर आप नोट करना चाहते हैं जिससे मैं रिलेवेंट इश्यू बताऊंगा या कुछ ऐसी चीजें जो हमें जनरली बाहर देखने को ना मिले तो मैं उम्मीद करूंगा कि उस चीज को नोट कर लें। स्पेशली अधिकांश स्टूडेंट जनरल मैनेजमेंट का जो टॉपिक है या सामान्य प्रबंधन का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ कुछ चीजें की कैसे क्या पढ़ना है, कहां किस तरीके से क्या, अगर बाहर भी जाए क्लास नोट्स के अलावा तो हमें कौन कौन सी ऐसे सामग्री मिल सकती है या कौन कौन से मटेरियल मिल सकते हैं जिसको हम देख सके। तो थोड़ा सा सभी का ध्यान यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि ये दो या तीन घंटे की जो सेमिनार होगा ये अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इसको इस सेमिनार को कंडक्ट करने के लिए भी हम लोगों ने पीछे बहुत मेहनत करी है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो सभी लोग ध्यान देंगे इसको और हम लोग एक एक पोस्टें जितनी भी पोस्टें और जितने भी एग्जाम्स हैं उन सबके बारे में विश्लेषण करेंगे आज। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए मैं चाहूंगा बिल्कुल सभी लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर, बोर्ड तो नहीं, मैं हर बार बोर्ड बोलता हूं, बोर्ड तो नहीं है लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड मंच पर ही देखेंगे। और सबसे पहले जो हम लोगों का जो आपको स्क्रीन पर कुछ शब्द दिख रहा होगा, व्हाट इज व्यापम सर, व्हाट इज व्यापम, यानी कि व्यापम क्या है, आवाज नहीं आ रही, ध्यान दें अगर सभी लोग, प्लीज सभी लोग ध्यान दें। बेसिकली व्यापम एक बड़ा ही चर्चित शब्द है क्योंकि इस अब तो उसका नाम के पीबी हो गया, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, बट आज भी उसको व्यापम के ही नाम से जाना जाता है। अगर मैं ये बताऊं कि व्हाट इज व्यापम, इसका मतलब मुझे थोड़ा सा इसके पीछे क्लाइमेक्स में चलना पड़ेगा व्यापम के लिए। देखिए सर, ये बात हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं कि हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में केंद्रीय सेवा यानी कि सेंट्रल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज यानी कि राज्य की सेवाएं तथा ऑल इंडिया सर्विस यानी अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया गया है। ये तीनों सर्विसेज का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 309, आर्टिकल 312, आर्टिकल 315 से लेकर के आर्टिकल 323 तक इसका प्रावधान करते हैं। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 309 यानी अनुच्छेद 309 वो स्टेट सर्विस का प्रोविजन करता है और हर राज्य की सरकारें अपने अपने स्टेट में दो प्रकार की सर्विसेज के लिए बोर्ड की स्थापना करती है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश ने भी अपने स्टेट सर्विसेज के लिए दो प्रकार के बोर्डों की स्थापना की, जहां ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो सर्विसेज होती है जैसे कि डीएसपी की पोस्ट, जैसे कि स्टेट, जैसे कि राज्य में डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट का वो सबसे बड़ा ऑफिसर है, डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट हो गई, चाहे ग्रेड सी में नायब तहसीलदार हो गए या चाहे वाणिज्य का निरीक्षक हो गए, ये सब जितने भी ग्रुप बी और ग्रुप सी के जितनी एलीट पोस्ट होती है उसके लिए एग्जाम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कराती है, जिसमें
मध्य प्रदेश में जो पब्लिक सर्विस कमीशन है जो बी और सी की पोस्टों का आयोजन करती है, लेकिन ये बात भी हम समझते हैं कि अनुच्छेद 300 लोग जिस प्रकार से स्टेट के अलाइड सर्विसेज की बात करता है, उसी प्रकार वो स्टेट के ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्टों की भी बात करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो व्यापम और कुछ नहीं बल्कि स्टेट लेवल की ग्रुप सी तथा ग्रुप डी के जितने भी पद होते हैं उनको आयोजित करने की एक संस्था या एक पूल है जो ग्रुप सी व ग्रुप डी से रिलेटेड जितने भी पोस्टें होती हैं उनका आयोजन कराता है। हर राज्य में व्यापम के नाम से कोई संस्था नहीं, कहीं पर जैसे उत्तर प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां पर व्यवसायिक परीक्षा मंडल या व्यापम के नाम से एक संस्था है। व्यापम जैसे 1970s में पहली बार मेडिकल सर्विसेज के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसके बाद 1981 में स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश ने इंजीनियरिंग कॉलेज जितने भी मध्य प्रदेश इंजीनियरिंग कॉलेज थे इन दोनों का मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज के भी और मेडिकल कॉलेज के भी इन दोनों के एंट्रेंस को मिला करके 1982 में व्यापम की स्थापना की थी और व्यापम प्रारंभ में सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट कराया करता था, लेकिन इसके बाद में जाकर 1986-88 से व्यापम को ग्रुप सी और ग्रुप डी की पदों की भर्ती के लिए भी अधिकृत किया गया जब व्यापम को जिम्मेदारी दी गई। इस तरह आज भी व्यापम ग्रुप सी व ग्रुप डी के पदों के लिए भर्ती को ग्रुप सी व ग्रुप डी के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन करता है। लेकिन इसको जरा समझा जाए सर, क्योंकि जब मैंने बोर्ड पर लिखवाया हुआ है व्हाट इज व्यापम, तो मैं इसमें एक शब्द और जोड़ना चाहूंगा कि व्यापम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको एक दूसरे सेंस में समझा जाए सर। जरा ध्यान दे आप लोग, मैं कई बार देखता हूं और देखकर भी हैरान रह जाता हूं कि कुछ लोग व्यापम को लेकर के या व्यापम की सर्विसेज को लेकर के एक अलग दृष्टिकोण रखते हैं, लेकिन सर यहां पर हम लोग एक दूसरे नजरिए से व्यापम को पेश करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज तो यही जाने सर कि व्यापम, देखिए इसका इंपॉर्टेंस समझेंगे हम, व्यापम एक पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है, ध्यान दीजिएगा। वैसे तो बहुत सी पोस्ट है लेकिन मैं एक पोस्ट का यह नाम लेना चाहूंगा और वो है एफबीएसआई, मध्य प्रदेश के सब इंस्पेक्टर के लिए व्यापम में एग्जाम कंडक्ट कराता है। सोचिए आप जानकर भी हैरान रह जाएंगे, अरे जानते होंगे तो भी कि एमपीएसआई का जो ग्रेड पे है वो 3600 का पे स्केल होता है। एमपीएसआई का मतलब 9300 से लेकर के उसका 34500 का 3600 का पे स्केल होता है एमपीएसआई का। लेकिन यही अगर आप एमपीपीएससी में खाली कुछ स्टार्टिंग की 3 या 4 पोस्टों को छोड़ दो और निचली जितनी पोस्टें उठा दो, मतलब अगर एमपीपीएससी में 500 पोस्ट निकली है तो 350-400 की जितनी पोस्टें, 350-400 लगभग पोस्टें जो है वो ग्रुप सी के पद होते हैं। सोचिए नायब तहसीलदार इतना बड़ा अधिकारी और नायब तहसीलदार भी ग्रुप सी का नियुक्त पद होता है, यानी कि थर्ड क्लास का एक ऑफिसर होता है। सोचिए आप जरा कि वाणिज्य कर निरीक्षक या नायब तहसीलदार या चाहे आबकारी निरीक्षक, ये जितने भी एग्जाम जो स्टेट सर्विस कमीशन से सिलेक्ट होकर आते हैं उन सबका भी ग्रेड पे 2800 के आसपास होता है। इमेजिन 2800 के आसपास, तो इससे अनुमान लगा सकते हैं आप कि व्यापम एक 200 नंबर का एग्जाम कंडक्ट, 200 नंबर के लिए एमपीएसआई का एग्जाम कंडक्ट कराता है या चाहे 200 नंबर के लिए लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम कंडक्ट कराता है या इतने ही मार्क्स के लिए रेवेन्यू इंस्पेक्टर का भी एग्जाम व्यापम कंडक्ट कराता है और इन सबका पे स्केल या तो 2800 होता है या 2800 से ऊपर होता है। और व्यापम और ये बीएससी में प्रीलिम्स क्वालिफाइड करना रहेगा, देन आप अपील करेंगे आप मेंस के लिए, मेंस आप देंगे, मेंस में भी आपको 1500 मार्क्स का लिखना है, उसके बाद आप इंटरव्यू देंगे, तब जाकर जब फाइनल लिस्ट आएगी तो फाइनल लिस्ट में यदि आप अगर 250 में तो आपको स्टेट सर्विस, स्टेट पुलिस सर्विस या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिलेगी, अदरवाइज वही ग्रुप सी के आसपास हम आइए। तो इस तरह से देखा जाए तो अगर हम व्यापम को ग्रुप बी में तो कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि व्यापम को ग्रुप बी के एग्जाम कंडक्ट कराने का कोई अधिकारी नहीं है, वो तो ग्रुप सी और ग्रुप डी के कराता है। लेकिन अगर इसके ग्रुप सी और एमबीबीएससी ग्रुप सी, क्योंकि एमबीबीएससी को बी और सी दोनों परीक्षाओं का आयोजन कराने का अधिकार एमबीबीएससी के ग्रुप बी को छोड़ दे, तो ग्रुप सी एमबीबीएससी का और ग्रुप सी व्यापम का, दोनों को आप कंपेयर करें तो आप ये पाएंगे कि बहुत ही इजी प्रोसेस या कुछ महीनों की मेहनत से ही आप हो सकता है कुछ उस पोस्ट को उठा लें जो शायद एक या दो प्रमोशन के बाद या ऑल इंडिया सर्विस या किसी बड़ी सेवा में तब्दील हो सकता है।
मैंने आप पर लिखा है कि जब मैं व्हाट इज व्यापन कर रहा हूँ या व्हाट इज व्यापन बता रहा हूँ तो इसका मतलब मैं व्यापन का कंपेयर स्टेट सर्विस कमीशन से ही कर रहा हूँ। गेटिंग मी सभी चलिए इसलिए इसके इंपॉर्टेंस को कभी भी इस आधार पर इसको कम नहीं समझना। एक चीज और, हमारे देश के अंदर और भी बहुत से बोर्ड हैं, बहुत सारे एग्जाम कैंडिडेट होते हैं, लेकिन इसके प्रोसीजर को सबसे इजी प्रोसीजर माना जाता है, मतलब सबसे आसान प्रोसेस माना जाता है। और एक समय तो अभी तक ऐसा था कि व्यापम सबसे तेजी से जाना जाता था रिक्रूट करने के लिए, यानी कि एग्जाम कंडक्ट कराया, कुछ दिन में आंसर की दे दी, आंसर की आने के बाद कुछ ही समय में रिक्रूट कर दिया करता था। और इससे पहले आपका निरीक्षक हो या चाहे संविदा सारा शिक्षक के एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम हो, इससे पहले पहले व्यापम जाना जाता था तेजी से जॉब देने के लिए। बाद में सब जितनी सब बैंकिंग वगैरह बाद में जितनी चीजें जो तेजी से जॉब देने के लिए जानी गई, व्यापम का आज भी इस चीज में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। क्यों? इसके पीछे कारण है इसका सबसे इजी प्रोसीजर होना कि सिलेबस आर वेरी स्पेसिफाइड, सिलेबस एकदम स्पेसिफाइड है, बस हमें थोड़ा सा उसको पार्ट करके और एक साइंटिफिकली तरीके से पढ़ना है। और चूंकि सर हम ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वी आर नॉट अ स्टूडेंट, हम विद्यार्थी नहीं, विद्यार्थी तो हम स्कूल में थे, विद्यार्थी तो हम कॉलेज में थे, हम विद्यार्थी नहीं बल्कि परीक्षार्थी। एंड देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंट बिटवीन विद्यार्थी एंड परीक्षार्थी, क्योंकि विद्यार्थी वो होता है जिसको सब पढ़ना होता है, लेकिन परीक्षार्थी वो होता है जिसके लिए इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं पढ़ना है। उधर ये इंपॉर्टेंट होता है क्या पढ़ना है, परीक्षार्थी के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब आप एग्जाम निकालने के लिए आए हैं और अब आपको सिर्फ वही चीजें पढ़नी है जो एकदम इंपॉर्टेंट है। और इतनी सारी यूजलेस चीजें जिन्हें हमें कायदे में नहीं पढ़ना होता, लेकिन सही गाइडेंस न मिल पाने के कारण हम उनको पढ़ते हैं। और पढ़ने के बाद एक अपने यही 18 से 28 साल की एज का एक बहुत बड़ा टाइम खो देते हैं। और फिर उसके बाद हम बोलते हैं कि सर एक या दो नंबर कम पड़ गए, तीन या चार नंबर कम पड़ गए। और फैकल्टी से भी बोलने आते सर दो या चार नंबर कम पड़ गए, जबकि फैकल्टी जानता है कि ये मतलब इसके लाइन सही नहीं है, मतलब इसको देख के नहीं लग रहा कि एग्जाम निकाल पाएगा, लेकिन फैकल्टी उसको सांत्वना देने के लिए बोल देता है, कह रहा है मुझे मालूम था तुम निकाल लेगा एग्जाम, अगली बार निकाल लेगा, मैं समझ रहा हूँ तेरे साथ गलत हुआ, क्योंकि फैकल्टी मन में जानता है कि नहीं निकाल सकता, गलत तरीके से आगे बढ़ रहा हूं। समझ रहे थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इसको ध्यान दें कि सही मार्गदर्शन पर आगे बढ़ा जाए तो एग्जाम निकाला जा सकता है व्यापम का या व्यापम से रिलेटेड बाकी भी चीजों का। क्लियर है सर? तो ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले बोल दिया ग्रुप सी और ग्रुप सी पीएससी का और ग्रुप सी व्यापम का कंपेयर करो तो व्यापम बहुत ही ऊपर आएगा। और ये भी देख लीजिए साल भर में ग्रुप सी के कई एग्जाम कंडक्ट कराता है व्यापम, ये लेबर इंस्पेक्टर आएंगे, लेबर इंस्पेक्टर भी ग्रुप सी है, लेबर इंस्पेक्टर के बाद देखेंगे आप तो देखिए 22 जनवरी को एग्जाम हो रहा है सहायक सब परीक्षक अकाउंटेंट वगैरह का, 22 जनवरी को, ये 22 जनवरी वाला जो एग्जाम हो रहा है, इमेजिन कि 22 जनवरी वाला एग्जाम है इन सब ये सब के सब सहायक संचालक पद के लिए आयोजित कर रहा है। और इससे पहले जितनी पोस्ट आ रही वो पहले पीएससी लिया करता था, लेकिन चूंकि दोनों एक ही बॉडी हो, ग्रुप बी और ग्रुप सी करा रहा है, इससे सी करा रहा है, इसलिए कभी इसको कभी व्यापम की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाता है, कुछ पोस्ट ऐसी भी होती है बहुत टाइम आ रही है, मालूम होगा या कुछ लोगों का मतलब लगभग लगभग देखा जाए तो व्यापन के इतिहास में पहली बार आ रही है लेबर इंस्पेक्टर। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हम ये पाएंगे कि व्यापन का इंपॉर्टेंस आज भी स्ट्रीट सर्विस में सबसे एलाइट पोस्टों के लिए या महत्व पदों के लिए आज भी उतना ही बना हुआ है। थोड़ा सा एक नजर डाल लीजिए कि व्यापन कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करता है या व्यापन के जितनी परीक्षा होती है चीजों को थोड़ा सा एक मिनट के लिए अगर हम लोग देखें तो जरा ध्यान दें आप लोग कौन कौन से एग्जाम्स को व्यापम कंडक्ट कराता है। आगे करेंगे उसको देखिए कि एग्जाम्स कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट व्यापम के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन इस चीज को जरा ध्यान दें, स्क्रीन पर तो चल रहा है उसको तो चल रहे, लेकिन जो व्यक्ति स्टेज पर बोल रहा है उसको भी सुने, थोड़ा सा इधर भी ध्यान दें कि ये सब तो चीजें ये लिस्टिंग तो चल रही है इसकी, लेकिन इसमें सर व्यापम एक तो एंट्रेंस एग्जाम भी कराता है जैसे कि प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट का, या इसके अलावा व्यापम कई और भी एंट्रेंस एग्जाम कराता है जैसे कि स्कूल फॉर एक्सीलेंस का, और इस तरह से रिलेटेड हमें एंट्रेंस एग्जाम को नहीं देखना क्योंकि उस बायलाइन से बाहर हो गए और हम सब के सब जो है वो किसी नौकरी के लिए जा रहे हैं, इसीलिए हम लोगों का जो ध्यान होना चाहिए और सिर्फ सर्विस की तरफ होना चाहिए कि कौन कौन से एग्जाम्स कंडक्ट करा रहा है वो जॉब के लिए बजाय कि एंट्रेंस के लिए। तो सबसे पहले आप एक एग्जाम को देख रहे होंगे सर,
लेबर इंस्पेक्टर का, समझ रहे सर। और देखिए इसको अब एक चीज से अनुमान लगा सकते हैं सर, एक ही चीज से अनुमान लगा सकते हैं, लेबर इंस्पेक्टर की जितनी पोस्ट चाहिए उनमें से देखिए टोटल पोस्ट तो 2271 आपको मालूम होगा, 2271 पोस्ट है टोटल, लेकिन 2271 पोस्टों में से लेबर इंस्पेक्टर की जनरल ओपन के लिए बोल रहा हूं, जनरल कैटेगरी ओपन के लिए लेबर इंस्पेक्टर के मात्र 35 पद है, यह जानते हुए आप। और अगर सहायक श्रम निरीक्षक की बात करूं मैं, जो कृषि बोर्ड के अंतर्गत निकले, उसमें जनरल ओपन के लिए 371 के आसपास पोस्टें आएंगी, लेकिन अभी भी देखा जाए तो सोचिए 35 पोस्टें ओपन की जनरल कैटेगरी मेल के लिए, लेकिन 35 पोस्ट होने के बाद भी देखिए इसको इस एग्जाम को लेबर इंस्पेक्टर के नाम से ही जाना जा रहा है। इससे भी आप समझ सकते हैं कि पोस्ट के कारण किसी पूरे एग्जाम को जाना जा रहा है तो वो पोस्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे सर इस चीज को, कि किसी पोस्ट के कारण किसी एग्जाम को जाना जा रहा है तो लेबर इंस्पेक्टर इसमें भी महत्वपूर्ण। इसके अलावा सर नेक्स्ट एक और एग्जाम देख रहे होंगे आप, और वो है जो 22 तारीख को एग्जाम होने वाला है ऑडिटर का, और उसके लिए सर मैं आपको पहले बता दूं ये जो राउंड टू जो सेकंड नंबर लिख रहा था ग्रुप टू जो कंबाइंड अकाउंटेंट का जो एग्जाम है, इस एग्जाम के बारे में सर एक चीज बताऊं, अभी तक ऐसा जानकारी प्राप्त हुई अज्ञात सूत्रों से, अज्ञात सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि ये जो सेकंड नंबर पर जो आपको लिख रहा है इसके लिए फॉर्म जो कुछ मतलब अभी तक का व्यापक है, सबसे कम फॉर्म फिल किए गए इस पोस्ट के लिए अभी तक के साथ जो कहेंगे, क्योंकि व्यापक एक ऐसा एग्जाम है जो एप्लीकेशन नंबर से बता देता है कि कितने फॉर्म भरा चुके हैं, तो जो इसके लिए 479 पोस्टें लेकिन फॉर्म बहुत कम भराए हुए, और इसमें हालांकि हमें फॉर्म कम भरने से कोई मतलब नहीं कि फॉर्म कम भर दिए तो कॉम्पिटिशन कम हो गया, ऐसा भी कुछ नहीं, लेकिन इस परीक्षा को लेकर के इसका सिलेबस ऐसा है कि आधे लोगों ने सिर्फ सिलेबस के कारण उसको नहीं भरा, जिसमें से अकाउंटिंग वगैरह थी, जिसमें से लोक प्रशासन था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन था यानी कि राज्य प्रशासन, और इसके नोट्स ना तो मार्केट में मिल रहे हैं और ना कहीं मिल रहे हैं, क्योंकि लोक प्रशासन सिविल सर्विस का सब्जेक्ट है और राज्य प्रशासन भी स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, लोक प्रशासन एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है यूपीएससी का और स्टेट सर्विस में भी ऑप्शनल, हालांकि अब तो एमपीपीएससी ने ऑप्शनल खत्म कर दिए, लेकिन लोक प्रशासन और राज्य प्रशासन ये सब सामान्यता सिविल सर्विस के टॉपिक माने जाते हैं, लेकिन हमें जो ग्रुप टू एग्जाम जो है इसमें इस टॉपिक को भी दिया गया है लोक प्रशासन राज्य प्रशासन को, और यही कारण है कि बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो इस फॉर्म को फॉर्म यदि फिल कर दिया तो प्रॉपर इसकी तैयारी नहीं कर पा, और मैं ये व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि वैसे बंदे या वैसे बंदियां जो इस एग्जाम के प्रति सीरियस हो वो बहुत ही आसानी से एक बहुत अच्छी पोस्ट उठा सकते हैं इस एग्जाम के लिए, जिसको आप सेकंड नंबर पर दे रहे हैं, और इसके लिए बस आवश्यकता है हम उस पर भी आएंगे बात करेंगे कि कैसे डिवाइड करके पढ़ना उसको, क्योंकि हम एक एक एग्जाम को अच्छी क्लास में मतलब आज के सेमिनार में देखने वाले हैं और पूरी तरह से व्यापक का ऑपरेशन करने वाले हैं। क्लियर है भैया? चलिए इसके अलावा देखा जाए तो तीसरे नंबर पर एक और सर्विस देखने को मिल रही है ग्रुप टू और सब ग्रुप थ्री कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। सर आपको मालूम होगा कि कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल के लिए इसको अगर शॉर्ट में कर दो तो सीजीएल हो जाएगा सर, और सीजीएल के लिए सिर्फ और सिर्फ एसएससी देश भर में जानी जाती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट कराता था, लेकिन ये साल एक ऐसा साल है सर जिसमें व्यापम का एक कहा जाए तो अभी तक जितनी इसने पोस्ट नहीं निकाली उसकी लगभग डबल पोस्ट इस साल आने वाली, और ये व्यापम की तरफ से रुझाना है कि पिछले साल जितनी पोस्ट व्यापम ने निकाली थी मतलब सिर्फ एक पोस्ट को छोड़कर कांस्टेबल के उसने 14,000 पद निकाले थे लास्ट ईयर, याद है आप लोगों को 14,000, इस बार ये पक्का है कि कांस्टेबल की पोस्ट आ रही है लेकिन पोस्ट को लेकर 14,000 शायद टच ना हो पाए, ये खुद व्यापम की तरफ से कि 14,000 शायद टच ना हो पाए, लेकिन पोस्ट इस साल भी कांस्टेबल की आ रही है, लेकिन इसमें जानने लायक बात है कि पिछले साल की तुलना में इस साल जितने भी एग्जाम सबकी लगभग डबल पोस्ट आ रही है, एसआई का भी अनुमान जताया जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़े में 1200 पोस्ट एसआई जाने वाली 200 के आसपास, तो सब समझ सकते हैं कि लास्ट ईयर जितनी भी हुआ था लास्ट ईयर जितनी पोस्ट इस साल अगर डबल कर दिया गया तो आपके चांसेस भी, या कि अगर मैथमेटिक्स आप लोग हल करते हैं या गणित आप लोग सॉल्व करते हैं तो प्रोबेबिलिटी भी किया हो आपने प्रायिकता, और आपकी प्रायिकता जो होती है जब पोस्ट
तो आपकी प्रॉबिलिटी भी बढ़ जाएगी ना अंदर आने की सर। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रायिकता भी बढ़ जाएगी। बस ये है कि इसकी एक बार तैयारी करेंगे और एक ही सिलेबस से बाकी एग्जाम्स भी जो जितने भी आपको एग्जाम निकाल रहा है सबका सब सिलेबस भी लगभग लगभग सिमिलर यानी कि एक समान ही देखने को मिलता है। तो पहली चीज तो हमें यही देखने को मिल रही इसी में कि कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम निकाला है। इससे पहले तक कभी भी सीजीएल व्यापम ने नहीं निकाला या ना तो आप लोगों ने कभी देखा होगा सर। देखा किसने क्या आज तक किसने नहीं देखा। जब से मैंने भी ध्यान दिया व्यापम पे तब से जब से इसके रुझान वगैरह आपको देखा है तब से मैंने भी कभी इस चीज को ना तो देखा ना सुना कि सीजीएल लेवल का एग्जाम व्यापम निकाल रहा है। लेकिन सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल में मध्य प्रदेश सरकार के अंदर जितने भी पदे जो कि ग्रेजुएशन लेवल के अंतर्गत भरे जाने जैसे कि आपको मालूम होगा सत्ता भवन के अंतर्गत कई पद खाली अभी भी या चाहे इसके अलावा राज्य संचालनालय के अंदर कई पद खाली वल्लभ भवन हो गया सरकार का जो मंत्रालय इसके अलावा और भी राजस्व मंत्रालय राजस्व विभाग जो हो गया ग्वालियर का जितने भी मध्य प्रदेश के अंदर वैसे वैसे पद जिसमें ग्रेजुएशन अपेक्षित है उन सब पोस्ट सभी डिपार्टमेंट को मिला करके व्यापम इस साल पहली बार एक बड़ा एग्जाम कंडक्ट करने जा रहा है और इसकी पूरी पूरी संभावना है कि उसका फॉर्म मार्च के आसपास मार्च के मिड में उसका फॉर्म आने की पूरी पूरी चांसेस है। मार्च मिड में हार्डली अप्रैल फर्स्ट वीक में लेकिन लास्ट ईयर भी इसको मेंशन किया था आपको याद होगा टाइम टेबल में व्यापम ने लेकिन एग्जाम लिया नहीं इसका इसका एग्जाम लिया नहीं लेकिन इस साल पूरी पूरी उम्मीद है इसके इससे रिलेटेड भी या ये पोस्ट आने की। अच्छा ये जब पोस्ट आई तो इसकी भी सर पहली भविष्यवाणी कर दी जा रही है क्योंकि अभी तक संधारी कोचिंग की तरफ से जितनी भी भविष्यवाणी की गई है वो सब की सब सटी की बेटी है। और सबसे बड़ी चीज तो यही है कि एमपीपीएससी का भी हालांकि जनरली स्टेट सर्विस मीन्स के लिए स्टेट सर्विस प्रिलिम्स के लिए जाया जा रहा है लेकिन स्टेट सर्विस से रिलेटेड जो प्री का कट ऑफ था इससे लास्ट ईयर का कट ऑफ जो व्यापम ने बताया था स्टेट सर्विस प्री का यानी कि एमपीपीएससी प्री का और एज इट इज एटली थोड़ी बड़ी कट ऑफ है और हमने प्लस वन या माइनस वन करा हुआ था यानी कि या तो प्लस वन जा रहा है या माइनस वन जा रहा है। तीन क्वेश्चन पीएससी ने एलिमिनेट कर दिए तो 83 कट ऑफ गया है। तो हम लोग की भी एक एक्सपर्ट टीम है जो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देख करके बताती है कि भाई कैसा क्या किसका क्या कट ऑफ रहने के अनुमान है या किस या हवा का दिशा किस तरफ है। तो इस आधार पर बस हम लोगों का ये उद्देश्य है कि आपको गाइडलाइन या मार्गदर्शन करते रहे ताकि आप चीज को देखते रहे। तो कंबाइंड थ्री के लिए इस साल पहले बता दे रहे हैं मैंने बोला भविष्यवाणी कर रहे हैं और भविष्यवाणी के तहत करीब करीब इस बार 3500 के आसपास कैन यू इमेजिन देख जैसे 11 स्पेक्टर 22 आई है सर करीब करीब 3 से 3500 के आसपास पद आने की पूरी पूरी संभावना है। और इसमें एक फायदा है सर प्रॉफिट ये ध्यान दीजिएगा प्रॉफिट कैसा फायदा ये मान लीजिए किसी व्यक्ति ने तैयारी करी 11 इंस्पेक्टर की श्रम निरीक्षक की करी किसी ने तैयारी लेकिन 11 इंस्पेक्टर ने भगवान ना करे यदि उसका ना होता तो उसको बैक टू बैक नेक्स्ट वीक 22 तारीख को फिर एक एग्जाम उसके बाद फिर यदि देखिए आप लोग तो फिर धीरे धीरे करके व्यापम जून तक का शेड्यूल व्यापम का इतना बिजी शेड्यूल है कि बैक टू बैक एग्जाम और सबका सिलेबस एकदम सिमिलर ही कुछ कुछ अंतर है जैसे कि पटवारी का एग्जाम है तो पटवारी में ग्रामीण विकास यानी कि रूरल डेवलपमेंट के बारे में पूछेगा या चाहे कुछ पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा बाकी मैथ रीजनिंग इंग्लिश वगैरह तो सेम रहेगी उसकी जो व्यापक पूछता रहा जैसे मैथ का व्यापक सिंप्लीफिकेशन बहुत पूछता इस टाइप की चीज जिसको हम कभी हम लोग आगे जाकर देखेंगे तो उस टाइप की जितने भी चीजें हैं वो सब के सब आपको आगे भी एग्जाम में व्यापम के एग्जाम में काम देगी। इसलिए व्यापम एक ऐसी चीज है जिसमें यदि इस साल कम से कम बता रहा सिर्फ 6 महीने आपसे बोल रहा हूं एक एग्जाम में अगर कोई अनसक्सेस हो रहा है ना इसका मतलब उसकी तैयारी बेकार रही है जिसको आगे करके उसको नेक्स्ट एग्जाम जो होगा उसमें अच्छी तरीके से अप्लाई करना है और जून तक का सबसे बेस्ट मौका है। लास्ट टाइम के कुछ स्टूडेंटों ने किया मैं चाहता हूं आप भी करके दिखा और आप भी कोई ना कोई अच्छी सर्विस ले व्यापम से क्लियर है सर। चलिए नेक्स्ट पर इसके साथ इसी में हम लोग नेक्स्ट एक और सर्विस देख रहे होगा कंबाइंड 10+2 लेवल संयुक्त स्तरीय हायर सेकेंडरी लेवल की एग्जाम लिखने वाला और इसको भी मेंशन किया हुआ है व्यापम ने अपने टाइम टेबल में। और हम ये जानते हैं कि जिस प्रकार ग्रेजुएशन लेवल में यानी कि स्नातक स्तर में सिर्फ और सिर्फ एसएससी का नाम चला करता था यहां पर हमें कुछ मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला कि भैया स्टेट सर्विस में भी मध्य प्रदेश के अंदर भी कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल को लेकर व्यापम एग्जाम कर रहा है उसी प्रकार 10+2 लेवल भी एसएससी कंडक्ट कराया करती थी लेकिन 10+2 लेवल को व्यापम भी इस साल से कंडक्ट करा रहा है। और इसमें जितने भी ग्रुप सी ध्यान दीजिएगा इसमें भी जो ग्रुप सी के पद
उस सब के सब पोस्टें कंबाइंड 10+2 लेवल के अंदर आएंगी। और इस पर ध्यान दीजिए सर, आपको मालूम होगा जो अभी जो SSC 10+2 का जो एग्जाम हुआ हर साल होता है, उसमें अभी 2 साल से सबसे भर के पोस्टें आई थी। इससे पहले वाले में 10,000 के आसपास आई थी, याद होगा आप लोगों को, 10+2 लेवल में 10,000 के आसपास आई थी। और इस साल भी सुनने में आया कि 6,500 और उसके बाद कुछ पोस्टें और बढ़ गई, तो लगभग 7,000 के आसपास जो थी वो पोस्टें देखने को मिली। लेकिन सर वो तो राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियां है ना, वो तो नेशनल लेवल का एग्जाम, नेशनल लेवल पर ग्रुप सी पदों की भर्ती के लिए जो एग्जाम हुआ वो SSC ने करा दिया। अगर स्टेट में राज्य के अंदर अगर 10+2 लेवल का मान लीजिए कि आप हमने एग्जाम करा दिया, उसमें यदि 3,500 के आसपास जैसे कि कयास लगाए जा रहे इतनी पूर्ति आने की संभावना, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि कितना कम प्रतियोगिता, कितनी कम कॉम्पिटिशन हो जाएगा नेशनल लेवल एंड एज कंपेयर टू द स्टेट लेवल। समझ रहे सर इस चीज को? इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल कंबाइंड नेशनल लेवल पर बल्कि देखा जाए तो 10+2 लेवल पर भी एक बहुत ही अच्छी चांसेस देखने को मिल रहा है हम लोगों को संधानी कोचिंग से ही अधिक से अधिक स्टूडेंटों के अंदर प्रवेश करने की। इसी के साथ सर एक और आपको एग्जाम दिख रहा होगा MP पटवारी का, दिख रहा सर? सर ये पटवारी का जो पटवारी की जो पोस्ट ही है सर, उसी की बात करूंगा पर्टिकुलर, तो पटवारी आपको मालूम होगा सर मुगल कालीन से पटवारी शब्द चलता आ रहा है और आज तक हम पटवारी को पटवारी के नाम से ही जान रहे हैं। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये कि पटवारी हमारे देश की एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर या प्रशासनिक संरचना सबसे निचला पद माना जाता है। ध्यान दीजिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में बोल रहा हूं, वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट में भी ग्रुप सी है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पटवारी से प्रमोशन से यानी पटवारी से ऊपर रेवेन्यू इंस्पेक्टर यानी RI होता है और RI भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है। RI के बाद वही RI आगे जाकर नायब तहसीलदार बनेगा और नायब तहसीलदार भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। नायब तहसीलदार के बाद तहसीलदार वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। हालांकि एक पटवारी अपने कार्यकाल के अंदर तहसीलदार बनके भी रिटायर बाई चांस ऐसा होता है, कोई यंग एज में अगर पटवारी बन जाए तो हो सकता है कि तहसीलदार से रिटायर हो, अदरवाइज अगर वो अदरवाइज वो नायब तहसीलदार तक ही पहुंच पाता है। लेकिन हम यह स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, पटवारी उससे ऊपर RI देन नायब तहसीलदार उसके ऊपर भी तहसीलदार SDM और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिला लेवल पर, उसके बाद पूरी प्रशासनिक संरचना सेक्रेटरी अवर सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी से लेकर के कैबिनेट सेक्रेटरी तक। और कैबिनेट सेक्रेटरी हमारे देश की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का सबसे अंतिम पद माना जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का। इस आधार पर देखा जाए तो ग्राम के पटवारी से लेकर के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के सबसे टॉप पोस्ट में कैबिनेट सेक्रेटरी तक हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी कि प्रशासनिक संरचना कार्य करती है। उसी प्रशासनिक संरचना का जो पटवारी का बने सबसे छोटा पद जो बता रहा हूं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का, वो हर स्टेट की अपनी अपनी बोर्ड कराती है जिसको कई राज्यों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। कहीं लेखापाल बोल देते हैं, कहीं कुछ बोल देते हैं, मध्य प्रदेश में जनरली पटवारी के नाम से ही हम इसको जानते हैं। तो पटवारी का एग्जाम सर आपको मालूम होगा, बीच में अनुमान लगा था, बीच में कयास लगाए जा रहे थे कि MP ऑनलाइन एग्जाम करा रहा है, सुना होगा आप लोगों ने भी, कुछ लोग बोल रहे थे भाई MP ऑनलाइन एग्जाम करा रहा है, कुछ लोग बता रहे थे कि भाई व्यापम पर जिस तरीके से आपको मालूम भी होगा व्यापम कई विवादों में भी रहा, तो उसके कारण उम्मीद थी कि पटवारी का एग्जाम MP ऑनलाइन को देंगे, लेकिन वास्तव में फिर क्लियर कर दिया व्यापम ने और कहीं ना कहीं व्यापम ही पटवारी का एग्जाम ले रहा है और कम से कम ये वाला एग्जाम तो व्यापम ले रहा है, क्लियर कर दिया। देखिए सर पटवारी पे आऊंगा तो मैं उसको डिटेल से कराऊंगा, लेकिन यहां आपको एक बात बोल दूं कि जब व्यापम ने बोला है कि पिछले साल की तुलना में इस साल हम डबल पोस्टें निकालेंगे और डबल भर्तियां करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि पटवारी तो लास्ट ईयर आई नहीं थी, पटवारी तो 11-12 के बाद सभी तक नहीं आई, आप लोगों को ध्यान होगा तो। और उस समय जब 11-12 में आई थी तब उस समय आपको याद होगा 3,500 या 4,000 के ही पद थे आसपास, 3,500 या 4,000 पद थे और आवेदन भरने वाले आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, 3,500-4,000 पोस्टों के लिए पटवारी की परीक्षा हुई थी और फॉर्म फिलिंग जो हुई थी टोटल वो 28,000 से 30,000 के बीच हुई थी, मात्र 30,000 DCA मांग करके काफी लोगों को अलग कर दिया। लेकिन अभी भी ये बताया जा रहा है कि भाई DCA रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से 3 DCA मांग रहा है, तो भी फॉर्म की जो संख्या होगी वो 1,00,000 से ऊपर नहीं होगी। लेकिन पोस्ट कितनी आई साहब उस समय आई थी 4,000 के आसपास, इस साल 9,000 के आसपास अनुमान लगाया गया, 9,000 के आसपास। आप मुझे बताएं
कि जिन लोगों के पास कंप्यूटर से रिलेटेड डिप्लोमा है या कोई भी ऐसी डीजी डीसी डीसी वगैरह जो भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, तो अनुमान लगा सकते हैं सर कि पहले ही पता चल गया कि 1,00,000 से ऊपर फॉर्म नहीं बना भर सकते, क्योंकि तो उतने ही तो रजिस्टर्ड टोटल डीसी वाले मध्य प्रदेश के अंदर या कंप्यूटर से डिप्लोमा वाले, तो उसमें से भी 2,000 पोस्टों के लिए 1,00,000 लोग बैठ रहे हैं। तो समझिए सर आप कि सिर्फ स्टेट लेवल में 10,000 लोग 10+2 का एग्जाम देते हैं, उसमें फॉर्म भराते हैं 10+2 में करीब करीब 40,00,000 के आसपास या 9,000 लोग सिर्फ मध्य प्रदेश के चाहिए। इससे समझ सकते हैं सर आप कि कितने अधिक चांसेस हैं इसमें जॉब होने की। क्लियर हो रही बात सर? इसके अलावा एक चीज और है सर, कुछ लोगों को शिकायत रहती है उसको भी दूर कर दिया जाए, क्योंकि सेमिनार का आयोजन ही शिकायतों को दूर करने के लिए किया गया। और आज की क्लास के बाद या आज के सेमिनार के बाद किसी के भी मन में कोई दुविधा होने की मुझे उम्मीद नहीं लग रही कि किसी के भी मन में किसी प्रकार की दुविधा। सर मैं कई बार देखता हूं आप लोग बोलते हैं कि सर बाकी राज्य का हम एग्जाम देते हैं तो मूल निवासी मांगते हैं, हमारे एमपी में क्यों नहीं मांगते? लगता आप लोगों का सर आप लोगों ने देखा होगा याद ही समझ में आ रहा है कि पूर्व को आ रहा भैया सभी को आ रहा है। तो ये चीज हमने देखते हैं कि साहब बाकी राज्यों में एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें मूल निवासी मांगते हैं, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर मूल निवासी क्यों नहीं मांगते? जबकि सर वास्तव में ऐसा नहीं, थोड़ा सा इसको ध्यान दें, क्योंकि जब ज्ञापन नोटिफिकेशन देता है उसमें ज्ञापन लिख देता है कि आवेदन भारत के नागरिकों से अपेक्षित होगा। एक सिंपल सी लाइन लिख देता ज्ञापन कि आवेदन भारत के नागरिकों से ही अपेक्षित होगा। और ऐसा बोलते ज्ञापन साइलेंट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं सर कि सिर्फ पूरे भारत के नागरिक के लिए, उसमें सिर्फ रिजर्व सीटें होती है कि 5% ही सिर्फ बाहर के लोग भर सकते हैं, बाकी पोस्ट सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए आरक्षित होती है। क्लियर होगी मेरी बात? इसको ध्यान रखना, जब यूपी का फॉर्म भर रहे हैं या जब बिहार का फॉर्म भर रहे हैं तो ये सभी फॉर्मर स्टेट में जो अगर आप ग्रुप सी का फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आपसे यूपी बिहार में भी आपसे मूल निवासी नहीं मांगेगा, उसमें भी ये लिखा रहेगा कि सिटीजन भारत का नागरिक हो। लेकिन आप जैसे बोल देंगे हाँ हम भारत के नागरिक है, हम बिहार के मूल निवासी में लोग कर दोगे आप या यूपी के मूल निवासी में आप लोग कर दोगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि 5% के अंदर आ जाओगे, यानी कि 95% पोस्टें आपके लिए नहीं होती। लेकिन हम बस एक लाइन देख करके शांत हो जाते हैं कि भारत का नागरिक मांगा हुआ है तो सब भर सकते हैं आकर के। आपको बात समझ में? ऐसा नहीं है सर, ये आपके लिए ही कॉम्पिटिशन लिमिटेड करने के लिए ऐसा किया गया है। चूंकि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी इसीलिए आप लोगों को कॉम्पिटिशन कम से कम मिल सके, इसीलिए प्रारंभ किया गया है कि बाहर के लोगों को सिर्फ 5% के अंदर लाया जाता है, बाकी मेल मध्य प्रदेश के लोग होते हैं। अब आगे बढ़ा जाए सर, इसी में एक चीज और देख रहे हैं आप, पटवारी के नीचे बड़ा एग्जाम पटवारी का चर्चा करेंगे आगे जाकर थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट एक और देख रहे हैं सर, जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड आबकारी आरक्षक होमगार्ड वगैरह इन सब के लिए भी उम्मीद ये की जा रही है कि जेल प्रहरी को अगर छोड़ दिया जाए फॉरेस्ट गार्ड को तो बाकी सभी के लिए लगभग इसमें कॉन्स्टेबल भी अलग कर दिया जाए तो बाकी सभी के लिए लगभग एक कंबाइंड एग्जाम व्यापम इस साल भी आयोजित करने जा रहा है। क्योंकि व्यापम कुछ पोस्टों को तो हर साल निकालता है लेकिन कुछ पोस्टें ऐसी होती है जिसको 3-4 साल में निकालता है, जो मैं जिक्र कर चुका हूं। जेल प्रहरी और कांस्टेबल तथा एमपीएसआई ये कुछ 3-4 ऐसी पोस्टें जिसका एग्जाम हर साल व्यापम कराता है, हर साल व्यापम के द्वारा जिसका एग्जाम आयोजित किया जाता है, जबकि कुछ कुछ एग्जाम 3-4 साल के अंतराल पर हमें देखने को मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर है सर? चलिए नेक्स्ट इसके साथ बढ़ाया जाए, कुछ और सर्विसेज है व्यापन की सर वेरियस पोस्टर्स में, और वेरियस पोस्टर्स में आपको सबसे ऊपर कुछ दिख रहा होगा सर, देखा सर नहीं दिख रहा? चलिए तो कोई बात नहीं सर, तो इसको बता देता हूं, मैं ही बता देता हूं, सबसे ऊपर संविदा शाला शिक्षक वर्ग 1 एलिजिबल टेस्ट लिखा हुआ है। और आप जरा देखिए ये इस साल का सबसे बड़ा बंपर पोस्ट है व्यापक की, समझे सर, संविदा शाला शिक्षक की। इसको लेकर भी विवाद, उसको भी दूर कर देते हैं सर, और इसको लेकर एक ही विवाद रहता है, और विवाद ये रहता है सभी के दिमाग के अंदर इसको लेकर के कि बीएड डीएड माननी है ना सर, बीएड डीएड। तो बिल्कुल देखिए सर, बीएड डीएड एक अपेक्षित योग्यता है, अनिवार्य योग्यता नहीं, मतलब कि बीएड डीएड कंपलसरी, ऐसा नहीं कि
सभी पदों के लिए बीएडीए कंपलसरी। आप कुछ बताएं, 40,000 पोस्टें आ रही है, 40,000 पोस्टों में से कितने बीएडीए वाले मिल जाएंगे साहब? मान लीजिए 1,00,000 मिल गए, तो क्या कभी संभव है कि कोई बोर्ड 1,00,000 लोगों को लेकर एग्जाम कराए 50,000 पोस्टों के लिए? ये तो संभव ही है सर। या तो देखिए नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन पिछले साल को ट्रेंड को ही बता के आगे बता रहा हूं इस चीज को, ताकि सबके सब ये माने कि आपको भी उसमें अवसर है, ना कि ये माने कि भाई हम एकदम से बाहर हो रहे हैं यहां से। 50,000 के अप्रॉक्स पोस्टें आ रही है, और उसमें से अगर बीएड सभी पदों के लिए कंपलसरी कर दिया जाए, तो फिर तो मेरे ख्याल से जिन जिन के पास बीएड होगा वो सबके सब निकल जाएंगे, एक एक दोनों आधे भी हो गए तो भी बहुत से कम कम नंबर वाले भी निकल जाएंगे। लेकिन इस तरह से देखा जाए तो वास्तव में ऐसा नहीं, और कम से कम 40-50,000 पोस्टों के लिए कुछ पोस्ट ऐसी रहेगी जो मानते हम, या बीएड वालों को कुछ मार्क्स का रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा, या कुछ मार्क्स अधिक कर देंगे, या पहले प्राथमिकता दे देंगे। इसका मतलब यह नहीं सर कि बाकी लोगों को एकदम बाहर कर देंगे। 150 मार्क्स के आसपास एग्जाम होगा, और 150 में से 120-125 लाओ खत्म करो फिर, मतलब ही नहीं है सर ये बीएड वगैरह का। समझ रहे सर आप? तो इसको थोड़ा सा समझे। चलिए नेक्स्ट, एक और दिख रहा होगा आपको नर्सिंग ट्रेनिंग वगैरह का जो है, बट इस साल इसका इसको मेंशन कर दिया गया है, लेकिन इस साल इसको आयोजन होने की इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा सर कंबाइंड हाई स्कूल लेवल यानी कि 10वीं, और फिर से इसको देखें व्यापम इस साल 10th लेवल को लेकर भी कुछ एग्जाम करा रहा है, ये भी पहली बार हो रहा है, इसलिए किसी को भी इसके बारे में अभी व्यापम ने भी सही से तैयारी नहीं करी। लेकिन यह पक्का है कि 10th बेस को लेकर के व्यापम में कंबाइंड एग्जाम कराने जा रहा है, और इससे पहले ये एग्जाम वही चीज SSC के द्वारा आयोजित कराया जाता था, अभी भी आयोजित कराया जाता है SSC द्वारा, जिसको मल्टी टास्किंग के नाम से जानते हैं। SSC मल्टी टास्किंग जानते सर आप लोग? SSC मल्टी टास्किंग 10th लेवल का एग्जाम होता है, लेकिन उसमें भी ग्रुप C, वो भी ग्रुप C का ही पद होता है। यहां पर भी 10th लेवल को लेकर के एक एग्जाम व्यापम पहली बार कराने जा रहा है, फर्स्ट टाइम, जिसमें रहेगा बस 10वीं। आपको मालूम है सर कि जब 8वीं की योग्यता मांगते हैं तो फॉर्म PhD वालों का आता है, तो 10वीं में ये ना समझे कि 10वीं वाले हैं तो बाकी सब सर मत टेंशन है, अंटे भी उनके सब फॉर्म भरेंगे सर, और ना केवल फॉर्म भरेंगे बल्कि लगने के बाद उसमें जॉब भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि समस्या इतनी बुरी है, तो समस्या इतनी विकट है। नेक्स्ट इसके साथ देखा जाए सर तो संविदा शाला शिक्षक ग्रेड 3 एलिजिबल वर्ग 3, और वर्ग 3 के लिए सर सुनने में आ रहा सर अभी व्यापम में भी क्लियर नहीं करा, जिससे पहले वाला जो वर्ग 3 हुआ था उस वर्ग 3 में उस टाइम आपको याद होगा सर कि 80,000-90,000 पोस्टें आई थी, और उसमें वर्ग 3 से टोटल पोस्टों का 80% पोस्टें सिर्फ और सिर्फ वर्ग 3 से थी, यानी कि प्राइमरी के टीचर को लेकर के, और उस समय प्राइमरी के टीचर बस उस प्राइमरी के टीचर को पढ़ाने के लिए भर्ती निकाली थी, उसमें उसने मांगा था 12वीं पास। लेकिन इस साल पूरी पूरी उम्मीद लगाई जा रही कि वो या तो 12वीं पास मांगेगा, या कम से कम इसके लिए कुछ और प्रावधान करेगा जिससे कम आवेदक आए, या चाहे हो सकता है कि वर्ग 3 के लिए भी वो ग्रेजुएशन नहीं मांग लेगा। समझ रहे सर? तो हो सकता है कि वर्ग 3 संविदा शाला शिक्षक जो है उसके लिए भी ग्रेजुएशन ही एक योग्यता मानी जाए। नेक्स्ट इसके साथ हमें एक और चीज दिख रही होगी सर, और वो है कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, जिस पर हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं। एक है संविदा शाला शिक्षक ग्रेड 2 एलिजिबल टेस्ट, हम वर्ग 1 पर बात कर चुके हैं, उसमें PG मांगते हैं सर, वर्ग 3 पर अभी हमने बात करी, और वर्ग 2 ये जिसे किया जाता है इस एग्जाम के लिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी पोस्ट हैं उनकी पोस्टें माना जाता है बहुत कम होती है, लेकिन सिविल इंजीनियर्स की पोस्टें सबसे ज्यादा होती है, और सिविल वालों पर प्रॉफिट और होता है, और प्रॉफिट ये होता है कि जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर यानी कि जो RI की पोस्ट है, RI की पोस्ट के लिए भी सिर्फ सिविल इंजीनियर को ही अलाउ माना जाता है, सिविल इंजीनियर को एलिजिबल माना जाता है। सर हमारा राज्य यानी कि मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य, हमारे बाद छत्तीसगढ़ बन गया, देश का ऐसा पहला राज्य जो RI के एग्जाम के लिए, यदि आप लोग जरा गौर फरमाएं तो RI के एग्जाम के लिए कंपलसरी एलिजिबिलिटी में या कंपलसरी योग्यता में सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या डिग्री को मानता है, जबकि RI एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है, तहसीलदार इससे कम, यदि पटवारी को देखा जाए तो पटवारी के लिए कोई योग्यता नहीं मांगी, लेकिन इसके लिए इतनी
की बड़ी योग्यता मांगी गई है। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आरआई की पोस्टें आती है 700 750 के आसपास, और उसमें सिविल डिप्लोमा सिविल इंजीनियर मध्य प्रदेश के अंदर, ये मध्य प्रदेश के तकनीकी मंत्रालय के आंकड़े कि मध्य प्रदेश के अंदर आप हैरान हो जाएंगे सर सुनिए, सिर्फ और सिर्फ 28,000 के आसपास डिप्लोमा एवं डिग्री सिविल इंजीनियर्स की संख्या रजिस्टर्ड 28,000 से 30,000 के आसपास, 28,000 से 30,000 लोगों को ही इन 600-700 पोस्टों के लिए एलिजिबल माना जाता है। तो ये जो वैसे लोग जो डिप्लोमा या डिग्री सिविल इंजीनियर्स, उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इसके अलावा भी ये नगर निगम के अंदर या पीएचई के अंदर या मध्य प्रदेश के अन्य विभाग जहां पर इंजीनियर्स की आवश्यकता होती है, उनके लिए भर्ती इस सब इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एग्जाम के थ्रू अंदर इसकी एंट्री कराई जाती है या परीक्षा का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट एक और चीज इसमें सर, ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी देख रहे हैं आप और कौशल विकास संचालय अधिकारी देख रहे हैं आप, और इसके अलावा कंबाइंड ग्रुप है स्टेनोग्राफर। ये लास्ट के जो तीनों पद दिख रहे हैं आपको, इनको हम लोगों ने थोड़ा सा तैयारी करके लास्ट के तीन पोस्ट तीन जगहों पर रखा है। इसके कुछ कारण, और कारण यह है कि इसके लिए भी अनिवार्य कंप्यूटर से डिप्लोमा या स्टेनो से डिप्लोमा मांगा जाता है। और आपको मालूम होगा अभी कुछ दिन पहले 18 तारीख को ही एग्जाम हुआ था इसका स्टेनो के लिए, जो सबसे लास्ट पोस्ट दिख रही होगी आपको, और उसमें एमपी जीके को बहुत ज्यादा फोकस किया गया था या मध्य प्रदेश जीके को सबसे ज्यादा उठाया गया था। तो जो जिन जिन लोगों ने एग्जाम दिया उस चीज को जानते होंगे, इस बार भी इसको लेकर के बहुत ही अधिक पोस्टें आने वाली है जिसको हम लोग अभी देखेंगे एक एक करके सबको, तो उस पर भी हम लोग जाएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़े सर, और आगे बढ़ने में हम लोग आ चुके हैं कहां पर। ये तो था सर जनरल इंट्रोडक्शन जो मैंने सभी एग्जाम के लिए दिया, अब होगा स्पेशल इंट्रोडक्शन एक एक एग्जाम को टारगेट करते हुए। क्लियर सर? देखिए जहां पर जिसको नहीं समझ में आए मुझे तत्काल बोल दीजिएगा कि सर इस बात को जरा फिर से बोलिएगा, क्योंकि ये जो चीज है जहां नहीं समझ में आया बात बोल दीजिएगा, क्योंकि इसको हम लोग बहुत ही ध्यान से इसको समझ कर रहे हैं और इससे रिलेटेड पूरे एस्पेक्ट को कवर कर रहे हैं। और ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि सबसे ज्यादा डाउट भी आपको लेबर इंस्पेक्टर के प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए, क्योंकि परसों एग्जाम होने वाला है, सबकी निगाहें 9 से 12 के शिफ्ट पर रहेंगी, क्योंकि 9 से 12 के जो शिफ्ट होगी ना उसके बाद ही ये चीज क्लियर होगी कि एग्जाम कैसा आ रहा है, पेपर कैसा आ रहा है। क्योंकि सर ये वही एग्जाम है जिसमें व्यापम ने स्पेसिफाई नहीं किया कि वो कितने नंबर का क्या पूछेगा। आपको मालूम होगा सर इस एग्जाम के लिए व्यापम ने स्पेसिफाई नहीं किया तो कितने नंबर का किससे उठाएगा। तो सबसे पहले तो रिटर्न एग्जाम होगा इसमें, एक तो रिटर्न एग्जाम, लेकिन रिटर्न एग्जाम लेबर इंस्पेक्टर के लिए सिर्फ रिटर्न रहेगा, उसके लिए राउंड टू स्किल टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ रिटर्न एग्जाम रहेगा। इसके अलावा असिस्टेंट लेबर इंस्पेक्टर जो है उसके लिए भी सिर्फ रिटर्न एग्जाम होगा। इसके अलावा और भी कई पद ऐसे हैं जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ रिटर्न एग्जाम होगा, दूसरा राउंड जो स्किल टेस्ट होगा वो नहीं होगा। लेकिन जहां जहां टाइपिंग को मांगा है या जहां जहां सीनियर अकाउंटेंट को मांगा है, जिन जिन पोस्टों में असिस्टेंट को मांगा है, इन सभी पोस्टों के लिए आप जानते होंगे कुछ कुछ के लिए टाइपिंग जरूरी की गई है और कुछ कुछ के लिए सेकंड राउंड का स्किल टेस्ट भी आयोजित करने का प्रावधान व्यापम ने तो अपने नोटिफिकेशन में इसका प्रोविजन किया हुआ है। समझ रहे सर इस चीज को? इसीलिए पहले तो ये ध्यान देते कि कुछ पोस्टों के लिए सिर्फ पहला राउंड होगा, यानी कि 200 नंबर का एग्जाम है और 200 नंबर में से ये तो डैम श्योर हो चुका है कि कट ऑफ इसका MPSI टाइप नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें डाइवर्ट किया हुआ सिलेबस है। कट ऑफ वही 152-155 पड़ा, लेकिन कट ऑफ पे आऊंगा तो कट ऑफ पे बात करेंगे हम लोग, लेकिन अभी ये तो तय हो चुका है कि इसका इतना ज्यादा कोई हाई कट ऑफ नहीं होना। लेकिन ये चीज तो तय है कि व्यापम में जो भी इसमें इस एग्जाम के लिए जितने ज्यादा मार्क्स लिया जाएगा उसका सिलेक्शन उसी समय फाइनल हो जाएगा, राउंड टू की जरूरत नहीं पड़ेगी स्पेशली लेबर इंस्पेक्टर की। ठीक है सर? चलिए नेक्स्ट सर सिलेबस आएंगे सर हम लोग, और नेक्स्ट पर हम लोग एलिजिबिलिटी आ रहा है। तो ये टोटल वैकेंसी सर आपको बोर्ड पर दिख रही है लेबर इंस्पेक्टर की, और लेबर इंस्पेक्टर के लिए जो, चलिए मैं बोल देता हूं यदि किसी को नहीं दिख रही, तो लेबर इंस्पेक्टर के लिए टोटल पोस्ट जो वो 2213 के आसपास टोटल पोस्ट है, जिसमें से लेबर इंस्पेक्टर की पोस्टें बहुत कम है। मैंने पहले ही बोला कि ओपन जनरल के लिए मात्र 35 पोस्ट है, ये मध्य प्रदेश
प्रदेश के कई डिपार्टमेंट्स को या कई विभागों को मिला करके एक साथ एग्जाम कंडक्ट किया, एक साथ परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें से नेम ऑफ द एग्जाम, तो देखिए नेम ऑफ द एग्जाम में भी लेबर इंस्पेक्टर ही लिखा हुआ है। इसका मतलब सबसे मेन तो यही पद है, बाकी जितने पद है वो इसके इर्द-गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन हमारा मूल टारगेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए लेबर इंस्पेक्टर ही। नंबर तीन पे आप देख रहे होंगे कंडक्टिंग बॉडी, तो कंडक्टिंग बॉडी व्यापम ही है, परीक्षा का आयोजन व्यापम ही करा रही है और सेमिनार भी व्यापम का ही है, तो इसलिए आप कंडक्टिंग बॉडी के अंतर्गत हमने व्यापम इसमें लिखा हुआ है या मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा लेवल ऑफ एग्जाम, तो ये एग्जाम स्टेट लेवल है, पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि कुछ लोग नोटिफिकेशन देखकर देखते हैं कि भारत का नागरिक मांगा गया है या कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया मांगा गया है, तो उसमें भारत का नागरिक देखने पर आप दुविधा में मत पड़े, क्योंकि वो तो सिर्फ 5% पोस्टों के लिए, बाकी सभी पोस्टों के लिए सिर्फ मध्य प्रदेश के नागरिक मांगे जाते हैं। इसलिए MPPSC का एग्जाम हो या MPSI का एग्जाम हो या कोई व्यापम का एग्जाम हो, इसमें मध्य प्रदेश का मूल निवासी का कॉलम छोड़ा जाता है कि अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी तो यस या नो, तो इससे साबित होता है कि हम यस कर रहे हैं, इटमीन्स हम 95% में आ रहे हैं और 5% जो है वो बाकियों के लिए। अच्छा एक चीज, मान लीजिए 100 पोस्टें निकाली व्यापम में और 100 पोस्टों में से एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, 100 पोस्टों में से 5 पोस्टों में उसने देश के बाहर के लोगों को बुलाया है और 5% में बाकी यूपी बिहार या चाहे राजस्थान या चाहे दिल्ली बाकी सभी राज्यों से मध्य प्रदेश में उन्हें फॉर्म डाल दिया, तो इसका मतलब कतई ये नहीं हुआ कि आप सिर्फ 95% के लिए एलिजिबल, आप तो पूरे 100% के लिए एलिजिबल है, लेकिन वो 5% के लिए वो सिर्फ एलिजिबल है। आई बात समझ में सर, 5% के लिए सिर्फ वो फाइट कर सकते, इसका मतलब ये भी नहीं कि उन्हें 5% पर आरक्षण है या 5% MP से बाहर वालों को लेना ही लेना, ऐसा भी नहीं है, 5% में वो फाइट कर सकते हमसे, बाकी मध्य प्रदेश के लोग तो पूरे, लेकिन 95% तो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों के लिए ही आरक्षित है। क्लियर है सर जी? तो इसके अलावा स्टेट लेवल हमने देखा और मोड ऑफ एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है, इस चीज को भी हम लोग जानते हैं, और इसके अतिरिक्त एज लिमिट 18 से 14 ईयर, कुछ विराम चाहूंगा मैं। ठीक सर, आज के जो अतिथि हैं हमारे बीच हैं, व्यापम की जो कार्यशाला है उसमें क्या क्या चीजें होंगी
बहुत सारी जो बेसिक चीजें हैं करंट का जो सिनेरियो है वो अविनाश सर आपको बेहतरीन तरीके से बताएंगे, मुझे पूरा विश्वास है, और काफी चीजें उसमें से आप सुन चुके होंगे, समझ चुके होंगे। कार्यशाला में जो इम्पोर्टेंट चीजें रहती है वो तो हमारे सामने रहेंगी, लेकिन सोचिए इस प्रकार की कार्यशाला में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसके अंदर में भविष्य में जाके हमें काम करना हो, भले संविदा शिक्षक के रूप में, भले पटवारी के रूप में, भले पुलिस में एसआई के रूप में, या कॉन्स्टेबल के रूप में, या एएसआई के रूप में, किसी भी पोस्ट में, या पटवारी या नायब तहसीलदार के रूप में, तो कहीं ना कहीं ऐसे सीनियर जब हमारे ऊपर रहते हैं और उनका अगर हमें ओजस्वी भाषण सुनने को मिले या उनका वक्तव्य हमें सुनने को मिले तो वाकई में काफी अच्छा रहेगा हमारे लिए। और इसी के लिए हमारे बीच अतिथि हैं, आप देख रहे हो कि एक कुर्सी खाली है, वो हमारे मुख्य अतिथि हैं, वो भी आने वाले हैं, फिलहाल उस कुर्सी को मैं संभालूंगा और मैं बैठ जाऊंगा और फिर जब सर आएंगे तो उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो फिलहाल जो हमारे बीच हमारे आज के जो अतिथि हैं जिन्होंने अपना समय निकाल के आया, सबसे पहले मोहित शिवानी जी, हिंदुस्तान टाइम्स में फिलहाल ये एजुकेशन का फील्ड देखते हैं, एचटी शाइन आपने नाम सुना, और इनकी जब बात सुनेंगे आप तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो वातावरण बिल्कुल पढ़ाई पढ़ाई में हो गया है, जब इनकी बात सुनेंगे तो मेरे ख्याल से आपका एक जोश आ जाएगा, और जोश भी विश्वास के साथ ये मान सकता हूँ कि सरदारी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको पूरी तरीके से आपकी विशेष योग्यता को देखते हुए आपको तराशेगी, जिसके बाद आप अपने अवसर को प्राप्त करेंगे। तो मैं जो आज आपसे बात करना आया था वो है, पहला मैं मेरा जो आज का विषय है था वो था कैरियर एट द रेट ऑफ ह्यूमन एनर्जी। कैरियर निश्चित तौर पर कैरियर तभी आपका अच्छा होगा जब आपको दिशा मिलेगी, यदि आपकी दिशा अच्छी हो तो आपकी दशा बदल जाएगी। स्पीड 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 का मतलब क्या होता है, गति, और वेलोसिटी वेग। तो आपके जीवन में स्पीड होनी चाहिए कि वेलोसिटी, वेलोसिटी, क्योंकि यस वेलोसिटी में दिशा होती है, कोई गति होने से काम नहीं चलेगा, उसमें दिशा भी होनी चाहिए। तो मैं अनुरोध करूंगा आनंद भंडारी जी से आज की कार्यशाला में आज के बाद जितने दिन इन लोगों को पढ़ाएं आप उनको वो दिशा दें जिससे ये सभी छात्र अपने सपनों को पूरा कर सकें। मेरे पास आज 5 से 10 मिनट का समय मुझे दिया गया था, जब भविष्य में मुझे घंटों मिलेगा तब से आप मैं घंटों बात करूंगा। आज तो सिर्फ प्रकाशोत्सव की लख लख बधाइयां। सर ने बहुत अच्छी बात बताई, कुछ लोगों को लगता है कि हमारे घर से हमारे पिताजी ने, बड़े भाई ने, या हमारे किसी परिचित ने हमें कुछ पैसे इकट्ठे करके दिए हैं और हमने वो सरदारी कोचिंग में दे दिए और हमें ये लगेगा कि हमारी नौकरी लगी, जबकि गलत है। सर ने उसी चीज को अभी दोहराया कि कोचिंग का काम केवल मार्गदर्शन देना है, स्किल्स डेवलप करने के लिए केवल प्रेरित करना है, मेहनत आपको करनी है, सफलता आपको मिलेगी, और सफलता मिलेगी तो सोचिए भविष्य केवल आपका बनेगा। और एक विद्यार्थी अगर पढ़ के पास होता है तो केवल उसका भविष्य नहीं बनता, उसके साथ साथ उसकी 3 पीढ़ियां दर जाती है, एक माता पिताजी, एक वो खुद उसकी फैमिली, और एक आने वाली उसकी पीढ़ी। तो इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत करेंगे तो आपका भविष्य संवरेगा। अब मैं आगे हमारे अतिथि को बुलाना चाहूंगा, शुभेंदु जोशी जी, जो भोपाल में फिलहाल DSP की पोस्ट पर हैं, जोरदार तालियां। आप आइए ना, समदानी जी माइक ले लो। माइक कैसे? हाँ सर, दो दो चीजें। अच्छा, दोनों में ले लीजिए माइक। सर थोड़ा सा आगे आ जाइए, सर एक माइक लेके थोड़ा सा। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? इतने सारे लोग और इतने सारे हंसते हुए चेहरे देख करके मैं
वैसे ही ऊर्जा से भर गया हूँ। तो एक बार आप सब लोगों के लिए आप खुद तालियां बजाएंगे। मेरे लिए बहुत गर्व का पल है। गर्व का पल सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, गर्व का पल इसलिए है कि आज से लगभग 32 साल पहले इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मेरे पिता पढ़ा करते थे और यहीं से कोचिंग लेकर के और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सर्व करके अभी वो रिटायर हुए। जैसे ही महेश्वरी जी ने हमें संपर्क किया, मैंने तुरंत हाँ इसलिए भी किया क्योंकि मैं थोड़ा इमोशनल इसलिए हो गया था क्योंकि सबदाणी का नाम मैंने बचपन से सुना था। हालांकि मैं चाहता था कि मैं अपने पिता के गुरु से भी मिलूं, पर मुझे और ज़्यादा खुशी हुई, मुझे ये लग रहा है कि मेरे पिता उनके गुरु से मिले होंगे और शायद आज उनके बेटे मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। जैसे जोशी सर अभी कह रहे थे, हम सब अपने अपने सपनों को साकार करने के लिए यहाँ बैठे हैं और क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए मैं बहुत 2-3-4 पॉइंट्स पे आप लोगों से बात करना चाहूंगा जिसमें हमेशा फोकस होकर के बात कर रहा हूँ। आराम से करें, आप अलाउ करेंगे हम 1 घंटा बोल सकते हैं। आप कैसे फूड करने के लिए बैठेंगे तो फिर मुझे लगता है शायद मुझे यहाँ से उतर जाना चाहिए। आप लोग मैंने बोला ना ये लोग भूल गए कि आप पुलिस वाले हैं। अपन सड़क पे मिलेंगे अभी देखते हैं। आज तो डायस पे मुलाकात हो रही है, 1-to-1 नहीं हो रही है, 500 वर्सेस 1 है। 1-to-1 करके देखिए, आइए नहीं चलिए। ठीक है, जितने लोग यहाँ पे तैयारी करने बैठे मुझे नहीं पता आप लोग में से कितने लोग किस विषय की और किस एग्जाम्स की तैयारी करें। मुझे लगता है सबदाणी कोचिंग ने अपना दायरा बढ़ा करके शायद सभी एग्जाम्स की तैयारी के ऊपर अपना फोकस किया है। मैं क्योंकि सिविल सर्विसेज बैकग्राउंड से आपको उसी की तैयारी में कर रहा था और आप में से सभी लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ये मूल बात है। सबदाणी कोचिंग ने अपना नाम शुरू किया जब वो लॉजिकल रीजनिंग और जिसको हम कहते हैं एनालिटिकल रीजनिंग से उसने अपना शुरू किया और उसका दायरा बढ़ा है। एनालिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग में सबदाणी कोचिंग का कोई तोड़ कभी नहीं रहा। मैंने भी बीच में जब मेरा सिलेक्शन जब मैं इसके बीच में तैयारी करता रहा तब मुझे एक मन हुआ कि मैं कुछ समय जाके 3-4 महीने का एक रिफ्रेशर कोर्स अपना पेपर 2 के लिए, क्योंकि आपको पता है सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स एग्जाम में भले वो MPPSC हो या कोई दूसरा PSC का एग्जाम हो या UPSC का एग्जाम हो उसमें पेपर 2 आजकल एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग का होता है और जितना सटीक और जितना पॉइंट टू पॉइंट मार्गदर्शन सबदाणी कोचिंग देती है मेरे पिताजी के हिसाब से भी और मेरे हिसाब से भी इतना अच्छा मार्गदर्शन मैं तुम भी होकर कह रहा हूँ कोई और कोचिंग नहीं दे सकती। मैं एंडोर्स करने नहीं कर रहा हूँ कि मेरे मन के उद्गार हैं जो कि मैं सबदाणी कोचिंग के बारे में ही बातें आज किया। खैर, आप अगर किसी मैं माइक के बिना बोलूँ आप लोग आवाज आएगी पीछे आ रही है आपको आवाज मेरी। चलिए, जब किसी परीक्षा की तैयारी करने बैठते हैं तो पहली बात आप अपने अंदर आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आपको करना क्या है जी। आप दोस्तों को देख करके कि मेरा दोस्त भी बैंक की कोचिंग जा रहा है या सिविल सर्विसेज की कोचिंग जा रहा है या SI की कोचिंग जा रहा है उसलिए इन परीक्षाओं में मत बैठिएगा। अगर इस धारणा से आए कि किसी से मिलने आना है यहाँ तो बिल्कुल आज छोड़ के चले जाइए कैंपस। या दोस्त मिलेंगे या इसके बाद यहाँ पर आनंद होगा, एंजॉयमेंट होगा, अगर इस मंशा से आप इस हॉल में बैठे हैं या इस क्लास में बैठे हैं तो मेरे कड़वे वचन ये सुन लीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पर अगर आपकी मंशा ये है कि मेरा लक्ष्य है कि या तो मुझे बैंक का वो PO का एग्जाम क्रैक करना है या मुझे MPPSC के फलाना फलाना पद धारण करना है या मुझे UPSC का वो पेपर निकालना है या मुझे SI या कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी करनी है, आप वो लक्ष्य बनाकर ही फिर इस क्लास में एंटर कीजिएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कोई परीक्षा सिर्फ प्रीलिम्स की परीक्षा नहीं होती और कोई परीक्षा कोई सिर्फ मेंस की परीक्षा नहीं होती या सिर्फ इंटरव्यू की परीक्षा नहीं होती, एक समग्र परीक्षा होती है। तो क्योंकि अब जब आप ये सोचते हैं कि मुझे ये बनना है तो आप उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, उसके लिए जितने रिक्वायरमेंट्स हैं उसको लेने की कोशिश करते हैं।
आप ये नहीं सोचते पहले मैं प्रीलिम्स तो क्लियर कर लूं उसके बाद मेंस की बात करूंगा, या मैं मेंस तो क्लियर कर लूं उसके बाद इंटरव्यू की बात करूंगा। एक समग्र तैयारी होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे। पर्सनालिटी सिर्फ यही नहीं होती कि आप दिखते कैसे, आप बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, उससे मतलब नहीं होता। आपके विचार किस दिशा में जाते हैं, आपकी सोच कितनी दूर तक जा सकती है, आपकी सोच कितनी एनालिटिकल है, कितनी तार्किक है, वो इंपॉर्टेंट है। और वो एक दिन में डेवलप नहीं होता। इसलिए जिस दिन आप उस परीक्षा की तैयारी को हाथ में लेते हैं, उसी दिन ये अपने अंदर ठान लीजिए कि हाँ, अगर मुझे इस परीक्षा की तैयारी करनी है तो इसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, और अगर मुझे इस परीक्षा की तैयारी में आगे बढ़ना है तो मुझे आज प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक की और एग्जाम क्लियर करने तक की पूरी तैयारी रखनी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट, मैं बार बार पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे इसलिए फोकस करता हूँ क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपकी पढ़ाई की तैयारी करवा सकते हैं। बहुत कम इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आपको कुछ मदद कर सकते हैं, और वो तो कोई कोचिंग आपकी पर्सनालिटी डेवलप कर ही नहीं सकती, वो आपको खुद करनी है। क्योंकि आपको अपने अंदर का व्यक्ति पहचानना है, आपके अंदर वो ऊर्जा कौन सी है, वो स्ट्रांग पॉइंट्स कौन से हैं जो आप इंटरव्यूअर के सामने निकालना चाहते हैं। आपने इतने साल शिक्षा ग्रहण करी, क्या आपके प्लस पॉइंट है जो आप अगर इंटरव्यूअर के सामने रखेंगे तो शायद आप अच्छे मार्क्स अर्जित कर पाए या अपनी बात सही तरीके से कह पाए। मैंने लोगों को देखा है, लोग एक दूसरे से बात करते हैं, लोग एक दूसरे की आंखों में डाल के बात नहीं कर सकते, वो इधर उधर बात कर लेते हैं। अगर मैं सामने बात करूं तो वो इधर उधर बात कर लेते हैं। हमारे कुछ माइनस पॉइंट्स हम ही कमजोरी बना करके रखते। तो डे वन उस चीज को आइडेंटिफाई करिए कि अगर आपको सिविल सर्विस को डेप्यूटी कलेक्टर बनना है, आपको हजारों ऐसे लोगों के बीच में रहना है दिन प्रतिदिन, और पुलिस में आ जाना है तो आपको कैसे कैसे लोगों से मिलना, वो आप सब जानते हैं। नॉर्मल लोग तो आपको मिलेंगे ही नहीं मैम। नॉर्मल लोगों से कभी पुलिस को मिलते हुए देखा है? हेलो भाई साहब कैसे हैं? नेवर। यू विल गेट टू मीट ओनली दोज पीपल हु आर आइदर क्रिमिनल्स और डेलिंक्वेंट्स। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जहां ऐसी पब्लिक डीलिंग की बात होगी, आपका कॉन्फिडेंस आएगा कहां से? आपको कॉन्फिडेंस अपने अंदर, और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप अपने वो पॉजिटिव पॉइंट्स पहचान लेंगे। और हर एक का पॉजिटिव पॉइंट अलग हो सकता है, इसलिए मैं कोई एक दो पॉजिटिव पॉइंट नहीं बता पाऊंगा, पर हर एक का एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। आप मानेंगे, आप हंसेंगे भी अभी तो मैं जब बताने वाला हूं जो अगली बात। मैंने अपने शिक्षा के दौरान, मैं अपना एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ शायद उससे आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल मिल जाए। मेरा पॉजिटिव पॉइंट ये था कि मैंने अपनी पूरी शिक्षा के दौरान संगीत की शिक्षा भी ग्रहण की, तो मेरा एक पॉजिटिव पॉइंट था कि मेरा संगीत पे अच्छा कमांड था। मैं संगीत का जानकार था, मुझे उसकी थ्योरी आती थी, और मैं वोकलिस्ट भी हूँ, मैं गाता भी। गाता तो बाथरूम में से भी आवाज आती है, या आप अपने कमरे में रात को बैठे बैठे भी गुनगुनाते रहते, या रात को घूमते घूमते सुनते रहते। अब इसी पॉइंट को अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट कैसे बनाना, वो अपने को समझ में आना चाहिए। जिस समय हम इंटरव्यू में पहुंचे, उससे पहले हमसे एक पर्सनालिटी फॉर्म बनवाया, हमने उसमें लिखा कि हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। मुझे अंदर से फील होता था, कई लोग संगीत सीखते हैं हर किसी को फील नहीं होता, मुझे फील होता था, इसलिए मैंने वहां लिखा। मैंने लिखा कि मैंने संगीत की ये शिक्षा ग्रहण की है, और मेरे मुझे ये चीजें, मैंने इसमें डिग्री हासिल की है। नंबर टू, मैं तो लॉ बैकग्राउंड का हूँ, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल से मैं पास आउट हुआ, और मेरा कहीं से कहीं तक संस्कृत का कोई बैकग्राउंड नहीं था, पर मैं संस्कृत को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझता था, इसीलिए मैंने MPPSC में अपना एक विषय संस्कृत रखा और दूसरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैंने दूसरी चीज जो इंटरव्यू में इंक्लूड करी वो थी संस्कृत, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इस चीज को डिफेंड कर पाऊंगा, ये मेरा पॉइंट है जहां मुझे कंफर्ट लगता है, जहां मुझे अच्छा लगता है लोग मुझसे बात करें। और मुझे हमेशा ये लगता था, हाँ सामने वाला अगर 10 बोलेगा तो मैं 11 बोलूंगा, अगर वो 12 बोलेगा तो मैं 15 बोलूंगा, मुझे इतना कॉन्फिडेंस था। तो मैंने वो दो कॉन्फिडेंट चीजें शामिल कर ली, और आप इमेजिन करेंगे मेरा आधे घंटे के इंटरव्यू में से 20 मिनट सिर्फ संस्कृत और म्यूजिक पे निकल गया। और आप ये भी इमेजिन करिए कि PSC जैसे इंटरव्यू में मैं एक राग गा करके आया हूँ। एंड मुझे ये जब वो लिस्ट आई
तो मुझे हालांकि रिटर्न में थोड़ा सा कम रहा, पर इंटरव्यू में आई गॉट टॉप 5 मार्क्स आउट ऑफ 250, आई गॉट 185 मार्क्स. तो ये नहीं कह रहा कि मैंने गाकर के उनको इम्प्रेस कर लिया, मुझे लगता था मैंने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पहचान लिए थे और उन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को मैंने फोकस करके उनके सामने रखा. दिस इज वॉट यू कॉल अपनी पर्सनालिटी को पहचान लेना. मेरी पर्सनालिटी के दो अभिन्न अंग मैंने पहचान लिए, एक संगीत और दूसरा संस्कृत. इसके अलावा मेरा विषय था लॉ, उसमें मुझे कमांड दी. आप सबके कुछ ना कुछ विषय हैं, आप लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, बायोलॉजी से हैं, आर्ट से हैं, आपको कोई ना कोई विषय अच्छा लगता होगा, उस विषय को फोकस बनाइए. बाकी तैयारी जारी रहने दीजिए, पर उसको अपने पर्सनालिटी का अभिन्न अंग बना करके रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है. मेरी बात. और दूसरी बात, शिक्षा दुर्लभ है. 500 लोग बैठे, आपको लग रहा हो कहां दुर्लभ है, सब इतने लोग तो ले रहे हैं, पर शिक्षा दुर्लभ है. जोशी सर से अच्छा इस बात को कोई और नहीं जान सकता. आज भी मध्य प्रदेश में लगभग 7000 ऐसे स्कूल हैं जहां शिक्षक है ही नहीं, और आप उन शिक्षकों से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जो कि आज नहीं पिछले 45 साल से नंबर वन टिके हुए हैं और टिके रहेंगे. आप अपनी आप सबसे पहले अपनी दुर्लभता को जानिए कि आपको जो चीज मिल रही है बहुत दुर्लभ है, हर किसी को प्राप्त नहीं होती. हर किसी को, जैसे सर बता रहे थे, ऐसा नहीं माँ बाप ने पैसे भर दिए, माँ बाप ने पैसे भर दिए और बोला कोचिंग चले जाओ और सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता है. आप अपनी दुर्लभता को पहचानेंगे तो आप उन सबसे जो सड़क पे घूम रहे हैं अभी इस समय और इस सेमिनार का पार्ट नहीं है, उनसे अपने आप को अलग पाएंगे. अलग पाने से एक और चीज होगी, आप अलग पाएंगे तो आप अपने आप को निश्चित करेंगे कि आपने एक लक्ष्य लिया और उस लक्ष्य की आप पूर्ति कर रहे हैं. नहीं तो पान की दुकान पर खड़े एक आदमी से पूछोगे तुम्हारा लक्ष्य क्या है, वो बता पाएगा उसका लक्ष्य क्या है? वो नहीं बता पाएगा. बता पाएगा क्या कि तुम जीवन में क्या बनना चाहते हो? बोले साहब मैं अभी पंचर तो बना ही रहा हूं ना. नहीं, पंचर बनाना कोई खराब बात नहीं है, पर शिक्षा के थ्रू कुछ अचीव करना वो बहुत दुर्लभ चीज है, और वो आप लोगों को मिला है, वो आप लोगों ने प्राप्त किया है. इस अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को समझिए और जो भी लक्ष्य लेकर के चल रहे, और लक्ष्य बड़ा रखिए. इसका मतलब ये नहीं कि आप बोले कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं और फिर आप बोले कि मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए मेहनत कर रहा हूं. शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप हैं तो जो भी आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं, आप टॉप मोस्ट अचीव करने की कोशिश कीजिए. पीओ, अगर आप पीओ तक अचीव कर लिए बहुत अच्छा है, क्लेरिकल में भी रह गए तो और भी अच्छा है, कुछ तो हुए. लक्ष्य आप बड़ा रखेंगे, आप यूपीएससी लक्ष्य रखिए. अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आप उस लेवल की तैयारी करेंगे, कहीं बीच में कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगी. और लक्ष्य हमेशा बढ़ रखिए. लक्ष्य नहीं, हमारा दम नहीं है साहब, हम क्लरिकल से ऊपर नहीं जा सकते. क्यों नहीं जा सकते? 500 लोग बैठे, टीचर एक है, बताने वाले वही हैं, गाइड करने वाले वही हैं, क्यों नहीं कर सकते? आपको बस अपने आप को पहचानना नहीं है, वो गलत बात. आप अपने आप को पहचानिए कि आपको करना क्या, और लक्ष्य हमेशा बड़ा रखिए. आप समझ रहे हैं मेरी बात? आई थिंक इससे ज्यादा टाइम सर आप बोल सकते हैं. बस इसी के साथ काफी हो गया सर. सर भी उपस्थित नहीं, तो राग अपना सर. नहीं देखो, और क्लासिकल है, आप लोग के सिर के ऊपर से जाएगा, मत करो. हर किसी को समझ में नहीं आएगा, वैसे भी क्लासिकल का बहुत मखौल उड़ाते हैं लोग. चलिए एक छोटा सा गुनगुना करके. सर आपकी ड्यू परमिशन से यहाँ कुछ लोग, मैं कुछ आपके आने से पहले बात कर रहा था. मेरा इंटरव्यू जुलाई में हुआ था और जुलाई सावन का महीना रहता है. सावन का महीने में कुछ एक राग जो है वो बड़े अच्छे लगते हैं, उनको सावन की राग कहा गया. उसमें से एक राग है राग देश. राग देश एक राग, देश राग आपने मजे सरगा मर तरफ से गूंज बंद कर देश राग दर्शन सुना, वो देश राग. उस देश राग की एक मैंने कंपोजिशन वहां सुनाई थी, वो ऐसी थी कुछ. देखो सर की बरसन को आए बदरा, देखो सर की बरसन को आए बदरा, झूम बरस
से मोरे अंगना देखो साखी बरसन को आए बदरा बिजली चमक चमक डर पावे पपिया पी पी शोर मचावे चैन ना आए किया करना देखो साखी बरसन को आए बदरा। थैंक यू सो मच। बात करने का और मन था, लगभग एक घंटा और बोल सकता था, जाने का मन नहीं है, पर किसी दिन और डिटेल में सर से किसी दिन समय लेकर के किसी दिन हम लोग जनरल स्टडीज पे बात करेंगे। सर मैं जीके पे कभी इन लोगों से कभी एक बार बात करना चाहूँगा। कुछ एक फोकस एरियाज जनरल स्टडीज में है जो कि आप सबको ध्यान रखने चाहिए अपने जीवन के लिए। जीके आप समझते हैं जनरल स्टडीज, कुछ एक ऐसे विषय जनरल स्टडीज के जिसपे आपको फोकस करना चाहिए, शायद हमको अगला कभी मौका मिलेगा तो हम उस पर बात करेंगे। सर से रिक्वेस्ट करके भी मैं आऊँगा, मुझे अच्छा लगता है स्टूडेंट से बात करना। अगली बार जो भी सेशन जब भी सर मौका देंगे मैं आपको। थैंक यू। वाकई में मैंने जैसे बोला था ना कि सर जैसे देखते हैं वैसे हैं नहीं, थोड़ी देर तो हमें ये लगा कि सर वाकई में पुलिस वाले ही और ये भाई साहब को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लगे, लेकिन वाकई में जो ओजस्वी वक्तव्य इनका था कहीं ना कहीं हम सब में जोश आया हमारे भाइयों में कि वाकई में हम आगे बढ़ेंगे और कुछ करके दिखाएंगे। और टू द पॉइंट सर ने अप्रोच किया, और ये जानकारी तो मुझे भी नहीं थी कि सर सावधानी कोचिंग से इतना समय से जुड़े हुए हैं, सर के पिताजी यहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं। वाकई में मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है, बहुत आनंद का, और इस महानता का या इस गर्व का अधिकारी मैं नहीं हूँ, वाकई में मैं नहीं हूँ, इस महानता के अधिकारी मेरे पिताजी हैं, मिस्टर लालचंद सावधानी सर। वाकई में 1972 में जब उन्होंने कोचिंग की सोची थी, चलिए मैं और 1971 में चला जाता हूँ। 1971 में मेरे पिताजी जयपुर से पलायन करके भोपाल आए थे। जब भोपाल आए थे तो बैरागढ़ में एक छोटी सी दुकान खोली थी, सिंधी यानी आप समझते हैं सिंधी यानी सब बिजनेसमैन होते हैं, है ना, लेकिन सिंधियों में आज की डेट में जो बिजनेसमैन का कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे हट गया है। और मुझे विश्वास है और मैं अपने पिताजी को वाकई भी मानता हूँ कि सिंधी अगर बिजनेस छोड़ के नौकरी में आए हैं तो उसमें सबसे बड़ा श्रेय सावधानी जी का है। वाकई में